और अब खबर जमशेदपुर से है। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के शेष नगर के रहने वाले अश्विनी कुमार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। गंभीर हालत में टीएमएच में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई है। बड़ी खबर में आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस दौरान उनकी मौत की पुष्टि भी हुई है। बदमाशों ने अश्विनी कुमार को पहले गोली मारी और जिसके बाद उनकी हालत जो है वो गंभीर हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता फोन लाइन पर प्रभात बने हुए हैं। प्रभात, पुलिस प्रशासन की बात करें तो इस पूरे मामले पर जांच कहां तक पहुंची है? अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि पहले गोविंदपुर थाना अंतर्गत शेष नगर का खकड़ी पाड़ा का इलाका है, वहां पे एक डेथ हुई थी। डेथ हुई थी घर के बगल में, अश्विनी कुमार के बगल में। वो वहां शामिल होने गया था और डेड बॉडी जब चला गया तो वो अपनी घर की ओर आ रहा, तभी अज्ञात अपराधियों ने उसे गोली मारी और जिस गोली मारने से वो गिर गया। उसके बाद आनन फानन में आसपास के लोगों ने उसे टाटा मोटर्स अस्पताल टेल्को स्थित उसे भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के क्रम में उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की जांच अब तक जो सामने आ रही है, पुलिस कई लोगों से पूछताछ हॉस्पिटल में ही कर रही है। ये बताया जा रहा है कि होली के समय में कोई सूरज नाम का युवक था, उसके साथ जमीन को लेकर कुछ उसका विवाद था। अब ये पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये बात बताया जा रहा है, पुलिस के हवाले से यही बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उस मामले को लेकर ही इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया हो। लेकिन फिलहाल अभी पूरी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस, और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार से उधार पे भी अपराधियों को पहचान करने के प्रयास करके। हालांकि लोग बता रहे हैं कि जो सूरज है वो अपराधी किस्म का लड़का है, उससे इससे पहले भी कई जगह वो गोली चलाया था और उसी के हाथ संभवता हो सकती है। ये हम अभी पुख्ता नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस इसी जांच के बिंदु पर आगे बढ़ रही है। जी चलिए प्रभात, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता प्रभात, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।